ये लाला मेरो नहीं, ये लाला लोग का लाला है। और कितने ब्रज गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही थी, बोले क्या बोल रही थी, बोले जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, चल नहीं पाती है, लेकिन भगवान की घर में कभी नहीं देगा, चलते हुए नहीं देगा, लेकिन देखो भगवान की कीर्तन में ना नाच उठती है, इसलिए भगवान की कीर्तन में जो नाचती है ना ठाकुर ताकत, ठाकुर जी उनको ताकत दे देती है ठाकुर जी। हाँ ठीक है, अभी अभी बधाई दे, इसलिए अभी सारे ब्रजवासी बधाई दे रहे थे सबके सब। बोले ब्रज में दो राजा है, एक नंदन और एक श्री ऋषभ, दो राजा है, आपस में बड़ी मित्रता। अभी श्री वृषभ हरि महाराज को नौता थी, नंद बाबा मेरे घर में लाला भय हो गए, अब आओ लाला को बधाई देने के लिए। अभी श्री वृषभ हरि महाराज अपना पत्नी कीर्ति का सुंदर को लेकर गए, और राज रानी बड़ी सुंदर श्रृंगार करके आए, एकदम लड़ लड़ श्रृंगार करके, चौरासी चौरासी गज में लहंगा, और जिसमें सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम है, सोने की चरी की, और बड़ी सुंदर सुंदरी और करके दूध दही मक्खन मिश्री लेकर के उसने प्रवेश की। प्रवेश की तो अभी बधाई शुरू होगी, एक ब्रजवासी ने किया कि उनकी सर पर जो मट्टी थी ना, तो एक डंडे लेकर के मारे, मारते ही मट्टी फूट गई, और उन्होंने दूध दही से पूरा पूरा स्नान कर लिया। एक दही का नहीं होता है, दही में दही कम से कम आज का दिन थोड़ा नाच दे, उनको जोर जबरदस्ती पकड़ करके ले आए। बोले कहाँ, नंद बाबा का जो आंगन थी वो आंगन बहुत बड़ा आंगन, उसमें दूध दही इतना भर गया, वहां पर लग रहा था जैसे कोई दूध का समुद्र यहाँ प्रकट हो गया। नंद बाबा देखने के लिए बड़े लंबे चौड़े एकदम गौरव बन गए, उनको बीच में खड़े कर दिए, लग रहा था मानव यहाँ पर श्री समुद्र मंथन होने जा रहे, बोले वीर समुद्र मंथन। एक तरफ में नंदगांव उनको कमरे में फेंटा थी, एक तरफ में बरसाना, दूसरे तरफ में नंदगांव के ब्रजवासी पकड़ करके रखी, मानो ऐसे लग रहा था ये फिर समुद्र मंथन हो जाएगी। हमारे कवि कर्णपुर कहते हैं, कल हम लोग सुन रहे थे, देवता दैत्य को लेकर के लवण समुद्र को मंथन किया, लेकिन देवता दैत्य को बोले रजोगुणी और ये तमोगुणी, जब ये ब्रजवासी कौन, बोले निर्गुण है ये ब्रजवासी, ये निर्गुण ये ब्रजवासी है, और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला। लेकिन यहाँ से बोले नंद बाबा इतने दान दे रहे थे, ब्राह्मण लोग तो सोने चांदी हीरे जवाहरात को पुटली बांध बांध करके ले नहीं पा रहे थे, ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं वहाँ प्रकट होकर के अभी गलियों में नाच रहे, जहाँ पर कुबेर का सर भी नीचा हो गया। बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ को कुबेर क्यों बनाया, किसने कुबेर उन्होंने बनाया, आज नंद बाबा के पास भी इतने पैसा, मेरे पास कुछ भी नहीं इसी तुलना में, और मेरे को कुबेर बना दी। बोले पैसा कहाँ से आया, तो उसका कारण बताए, आप लोग रामायण सुने होंगे, रामायण सुने हो, जब राम की बराती आई वहाँ पर जनकपुरी में कौन थी, माँ लक्ष्मी सीता थी, माँ सीता ने रिद्धि सिद्धियों को आदेश दिया, बोले देखो आज राम बराती आ रही है, इतने स्वागत हो, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक लोग याद करते रहे राम बरात को कैसे स्वागत होगी,
जब ये राम बराती जनकपुरी में आए, गांव के बाहर में छोटे जाति के लोग रहते, पहले रहते थे, वो लोग जो लोटे लेकर के शौचक्रिया में जा रहे थे सोने की, वो जो ब्रूस कर रहे थे ना सोने की ब्रूस, इतनी सोने चांदी वहां पर थी। और जब उनको भोजन परसा गया, किसको? अयोध्या वासियों को, सोने की प्लेट और सोने की बकरी और सोने की ग्लास दी, और एक बार खा उसको डस्टबिन में फेंक दो, जैसे अभी हम पत्र में खाते हैं ना, खाने के बाद फेंक देते हैं, सोने की कटोरी और सोने की ग्लास को फेंक दो। अयोध्या वासी तो तरस रहे थे, हे भगवान क्या इनकी संपत्ति, सोने की कटोरी सोने की ग्लास एक बार खाओ और फेंक दो। अयोध्या वासी तो सोच रहे थे, भैया कुछ यहाँ से उठा करके ले चलो, क्योंकि अगर उठा कर ले जाएंगे ना फिर राम की बड़ी बदनामी होगी, इसलिए बड़ी बदनामी होगी। बोले इतने कहाँ से पैसा आए? बोले माँ लक्ष्मी वहां पर स्वयं थी, कौन? माँ सीता जी थी, इसलिए माता सीता जी ने आदेश दी, पर ऐसे स्वागत हो जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक याद रहे राम बराती को स्वागत कैसे हुई। वहां जो हाथी घोड़े थे पता है उनको क्या खिलाए थे? काजू पिस्ता बादाम उनको खिला रहे थे। अयोध्या वासी सोचे, भैया हाथी घोड़े को काजू पिस्ता यहाँ पर सब ये सब खिला रहे हैं, क्यों? वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं सीता जी, और यहाँ पर माँ लक्ष्मी हो गता वहाँ किसी की कमी। उसी तरह जब भगवान कृष्ण जन्म हुए वहां पर मूल लक्ष्मी कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी, ये मूल लक्ष्मी, यहाँ पर श्री मूल लक्ष्मी राधा रानी प्रकट हो गई। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म उत्सव में वर्णना करते हैं, बोले श्रीया कृपया भावे राधा जी के नाम लेते हैं, वहां पर राधा रानी स्वयं प्रकट होकर आदेश देती है, खूब दान पुण्य हो, है दान पुण्य हो। और यहाँ पर राधा रानी स्वयं लक्ष्मी स्वरूप भी आ गए, बताओ वहां पर पैसा की कमी हो सकती है? इसलिए वहां पर श्री शंकर भी आए थे, लेकिन नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दी, शंकर बोले क्यों? बोले शंकर जी का जो वाहन है, बताओ तो शंकर जी का वाहन कौन है? कौन बोलो? नंदी है, इसलिए वो गैया दान दे रहे थे। नंदी भी भैया पहले बोले 20 लाख जहाँ पर गैया दान दे, वो तो डर गए, हो ना हो गैया डर गए थे, मेरे नंदी को गैया मान कर तो दान नहीं देते, फिर भी बाहर निकल गएगा तो मेरे पहुंचा कैसे? इसलिए शंकर जी नंदी को पूछ को पकड़ कर खड़े हुए। वहां पर माँ पार्वती भी आई थी नंद महोत्सव में, लेकिन उनको दो बेटे हैं, बताओ उनके दो बेटे कौन है? यहाँ पर जो पंडित लोग बैठे गए थे, इसलिए कार्तिक और गणेश जी दो बेटे, इसलिए जो गणेश है उनका जो सर है कैसे? हाथी जैसे, हाथी गजानन है, इसलिए भैया पार्वती डर गई। बोले क्यों? बोले हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल, इतने हाथी घोड़े दिए, बोले भैया मेरे बेटे को हाथी मान कर तो दान में नहीं दे देते, इसलिए उनको गोद में उठा कर चुपका करके खड़ी हुई थी, हैं? इसलिए वहां पर सबके सब जयजयकार कर रहे थे, लेकिन सबके सब का नृत्य कर रहे थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति नाच नहीं रही। बोले वो कौन है? बोले माँ रो रही, ताओ भैया की मैया। बोले भैया वो क्यों नहीं नाच रही थी? बोले वो थी प्रसिद्ध भद्रिका। प्रसिद्ध भद्रिका का मतलब होता है जिसका पति दूर देश में हो और दुखी में हो। पति कौन है? वसुदेव महाराज। कहाँ पर? मथुरा में। इस स्थिति में जेल। अगर किसका पति जेल में बंद पड़ा हुआ हो, वो सबके सामने पत्नी को भी नाचेगी? सबके सामने वो नाच नहीं सकती है, इसलिए वो बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी। इतने में नंद बाबा देखा घर के सारे सदस्य थे यहाँ पर, लेकिन एक सदस्य नहीं। बोले कौन है? थी रोहिणी। उन्होंने रोहिणी को पास में गए, बोले रोहिणी घर में केवल तुम दो ही स्त्री हो, जसोदा और रोहिणी। अभी जसोदा ने बेटा को जन्म दिया, वो तो घर का काम काज संभाल नहीं सकती है, अभी तेरे को तो देखना पड़ेगा। हाँ मेरे को पता तेरे पति जेल में है, अरे कब से कब मेरे लाला का आशीर्वाद देते क्या? बड़देव प्रभु 15 दिन पहले जन्म हुए, लेकिन जन्म से वो आंख बंद करके रखे। बोले क्यों? बोले सबसे पहले मैं कृष्ण को देखूंगा, फिर ये दुनिया को देखूंगा। इतने में माता रोहिणी श्री दाऊ भैया को लाए,
और कृष्ण जिस पलंग को ऊपर में लेटे हुए थे उन्होंने उसी पलंग को ऊपर में लेटा दी, और लेटा देते ही दाऊ भैया ने आंख खोल दी। जब उन्होंने आंख खोल दिए रोहिणी तो सुखी थी बेटा हुआ, लेकिन दुखी भी थी। क्यों? ये जन्म से पता नहीं ये आंख क्यों बंद करके रखा। लेकिन बलदेव प्रभु जब आंख खोल करके कृष्ण को दर्शन कर ली है तो मैया रोहिणी की आनंद अंदर में समाया, वो भी ठुमुक लगा करके होगी नाचना शुरू कर दी। इसलिए हमारे प्रभु जी अभी एक बधाई गाई है, अब सबके सब बधाई सब थी नाचना, जैसे माता जी नाच रही थी। ठीक है, लेकिन मैया जसदा की
इतनी खुशियां मनाई हरे नंदन जुगनी नंदन जुगनी अकेला कभी रे याद मनाई हरे नंदन जुगनी Hey, 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 hey
माइक को खोल दो। सभी को प्रणाम। अभी मेरा दिल्ली मेट्रो में जेई में सिलेक्शन हुआ है और अब जून में ज्वाइनिंग भी आ जाएगी उसकी, तो फिर मैं दिल्ली ज्वाइन करूँगा। और उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के एग्जाम दे रखे हैं मैंने, तो रिजल्ट आने बाकी हैं उसके। अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर निखिल हेय प्रत्येक अखिल गुणगण निले भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा और करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोग उसको श्री महाराज जी के श्री मुखारविंद से हम लोगों को उसको श्रवण करने का सद सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले अपने परम गुरु पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणारविंदों में दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात व्यास आसन पर आसीन मेरे परमानंद गुरुदेव जो अपनी दिव्य मधुरातीति मधुर वाणी से हम लोगों के कर्णपुटों में जो कथा रस रूपी अमृत झलक रहा है उसको प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसे श्री महाराज जी के चरणारविंदों में मैं दंडवत अर्पण करता हूँ। उसके बाद आप सभी लोग समस्त वैष्णव और वैष्णवियां जिनकी सराहना आप स्वयं चतुरानंद ब्रह्मा भी कर रहे हैं, क्योंकि नारद पुराण में लिखा है कि जो भगवान की दिव्य मधुरातीति मधुर सरस कथा में जो अपना हृदय अर्पित करता है, जो अपने कर्णपुटों को उसके दिव्य प्रवाह से संलिप्त करता है, कल्याण करता है, उसको भर भर के पीता है, उसकी सराहना स्वयं चतुरानंद ब्रह्मा भी करते हैं। ये महर्षि लोमस ने कहा है श्री नारद पुराण में। तो ऐसे समस्त वैष्णव और वैष्णवियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग आज यहाँ पर श्री महाराज जी के मुखारविंद से दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं, और मेरा भी परम सौभाग्य है कि आज के दिवस में आज एकादशी तिथि है, तो आज मुझको यहाँ पर श्री भगवान की दिव्य गुणगण मिले, भगवान की गुणानुवाद की चर्चा करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भैया हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा आगमन श्री महाराज जी की संप्रदाय में हुआ है। भक्ति का परम निरूपण यदि किसी संप्रदाय ने किया है तो वो श्री मन्माथ्य गौड़ेश्वर वैष्णव संप्रदाय है, जिससे श्री महाराज जी जिससे हम लोग हैं, जिससे श्री महाराज जी जिनके आचार्य वर्ग हैं। देखो श्रीमद गौड़िया संप्रदाय, देखो गौड़िया संप्रदाय का यदि हम प्रायवाची करें, गौड़िया का प्रायवाची करें, तो गौड़िया का प्रायवाची है भक्ति, भक्ति है। हमारे परम आचार्य गौड़िया संप्रदाय के विशिष्टा विशिष्ट आचार्य जो हुए हैं, ना केवल उन्होंने इस संप्रदाय में सात ठाकुर को वृंदावन के ब्रज के सात ठाकुर को प्रकट किया है, अभी तो ऐसे ग्रंथों का निरूपण किया है जिससे भक्ति महारानी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। सात ठाकुर श्रीधाम वृंदावन के सात ठाकुर श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ ठाकुर विनोदीलाल जयपुर विराजे हैं, राधा रमन श्याम सुंदर वास करे वृंदावन मदन मोहन लाल जो करोली छवि छाजे हैं। सात स्वरूप है अनूप सर्व विश्व बीच, सात स्वरूप है अनूप सर्व विश्व बीच, दर्शन की किए सकल ताप पाप भाजे हैं, अरे कहे सरस माधुरी सुनाए सब रसिकन को, इनकी छवि देख कोटि काम, इनकी छवि देख रति काम कोटि लाजे हैं, कहे सरस माधुरी सुनाए सब रसिकन को, इनकी छवि देख रति काम कोटि लाजे हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसी दिव्य संप्रदाय में हम लोगों का आगमन हुआ है। देखो
एक भक्त जो है, एक दास, श्री भगवान का दास। देखो हमारी परंपरा में हम लोग अपने आप को दास ही मानते हैं, क्योंकि सारी भक्ति का जो उद्देश्य है, सारी भक्ति का जो प्रयोजन है और सारी भक्ति का जो जो उसकी इनिशियल पोजिशन है, वो सब दासत्व है कि हम भगवान के, श्री भगवान के दास हैं, दासो हम, दासो हैं हम भगवान के दास हैं। और तो और दासान दासो भविदास में हुए, भगवान के दास तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हम हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे तत्व गौड़िया ने दिए हैं जिसका दिव्य निरूपण स्वयं आचार्य करते हैं कि हम लोग दासानु दासो भविदास में हुए, भगवान के दासों के भी दास हैं। देखो भैया, भगवान के जो भक्त हैं वो क्या मांगते हैं श्री भगवान से कि प्रभु कितनी ही मुश्किल दे दो, कितनी ही परेशानी दे दो आप, कितना ही हमारे हमें कष्ट कष्ट झेलना पड़े, पर जो भगवान की कथा के विमुख है ना, भगवान के जो भक्तों से जो विमुख है उसका मुख नहीं दिखाना। भक्तमालिका का बड़ा सुंदर प्यार है, श्रीमद भक्तमाल हुआ है उसका बड़ा सुंदर सा प्यार है। अग्नि जलाओ चाहे जल में डुबाओ, चाहे गरल पिलाओ घोरी, हमको न जाई है बिच्छू कटवाओ, चाहे सांप दस बाओ, हाथी आगे बढ़वाओ, मोही दुख नहीं आए। ये सब करा लो तो भी दुख नहीं पाएंगे प्रभु, लेकिन एक बात हे कृष्ण मुरारी अपने कर्णों में ध्यान से सुन लो कि यदि आप ये सब तकलीफें भी दे दोगे तो भी ब्रज जन रंजन कान धरी बात सुनो, भक्त सो विमुखता को मुख ना दिखाई। जो भक्तों से विमुख है उसका मुख भी ना दिखाए, उसका मुख भी नहीं दिखाए, क्योंकि जो भगवान की कथा से, श्री भगवान के नाम से, श्री भगवान की उज्जवल लीला से, श्री भगवान के गुण से, श्री भगवान के धाम से दूर है, वो हमारे लिए कड़वे विष के समान है। इसीलिए उस उनका सानिध्य कभी प्राप्त मत करो, उनका साथ कभी मत दो जो श्री भगवान की दिव्य सरस कथा से हम लोगों को दूर करा रहे हैं। जार मुखे, हमारी गौड़िया का प्यार है, जार मुखे भार भोरी को थाना, तार ताछे तुमी जियो नार, जार मुखो देखी भूल जावे होरी, तार पाछे को जियो नार। जिसके मुख से हरी कथा नहीं निकले उसकी तो बात भी सुनना बेकार है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं। देखो अभी थोड़े दिन पहले मैं श्री मदन मोहन जी के दर्शन करके आए, हमारा सौभाग्य। देखो साथ साथ ठाकुर के जब गर्भगृह में जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है सामने वंशी नाद करते हैं श्री त्रिवंत ललित, भगवान को ऐसे देख करके मुक्त हो जाए कि बड़े 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 जो योगिंद्र मुनिंद्र कविंद्र इत्यादि है वो भी अपनी समाधि का परित्याग करके श्रीहरि के चरणों में पहुंचने की दिव्य चेष्टा करते हैं। मदन मोहन जी के दर्शन करने गया तो मुझे पता भी नहीं चला, आप लोग यकीन मानेंगे मुझे पता नहीं चला, मैं तो एक शादी में गया था तो मैं सोचा चलो मदन मोहन जी के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त करूंगा। वहां पे पहले से ही कॉल आ चुका था कि पूज्य महाराज जी के शिष्य, पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र वहां पधारेंगे, तो गोसाई जी ने अपने निकट ही मुझको वहां पे रखा। श्री ठाकुर जी के दिव्य जो भोग आरती है, जो भगवान के दिन, वो तीनों समय के प्रसाद गरम गरम वहां से आता और ठाकुर जी की दिव्य कृपा से उसका आनंद लिया जाता। वहां के कीर्तन आरती ऐसा प्रतीत होता था, श्री ठाकुर जी के दिव्य मंदिर मंगल मंदिर में ऐसा प्रतीत होता था कि सारा का सारा जीवन ही नहीं जी जाए। वहां पे श्री ठाकुर जी की आरती के बाद दिव्य संकीर्तन होता था। यही है वहां का एक पद है बहुत सुंदर, मुझको अच्छा लगा मैं सुना। मेरे तो आधार मदन मोहन के चरणारविंद, मेरे तो आधार मदन मोहन के चरणारविंद, मोहन के चरणारविंद, श्री राधा के चरणारविंद।
मदन मोहन के चरणारविंद, जिन चरणन से निकसी गंगा यही है चरणारविंद, जिन चरणन से निकसी गंगा यही है चरणारविंद, भवसागर सो पार लगाए यही है चरणारविंद, मेरे तो आधार मदन मोहन के चरणारविंद। बाकी इतनी सुंदर झांकी, भैया हमारा सौभाग्य है, देखो नाम को दृढ़ता से करो, क्योंकि नाम के इफेक्ट बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जो कई नहीं है, लेकिन श्री हरि नाम में है, ऐसे चमत्कार बहुत देखे हैं। देखो भगवान कृष्ण कवि श्री कृष्ण जो है वो कभी नहीं कहते कि मेरे समक्ष आओ, मेरे समक्ष आओ, मेरे समक्ष आओ। गोपियां रासलीला में पहुंच गई कि आपने बुलाया, आप बुला रहे हैं हमें और आपके निकट आ गई, तो भी आप वापस जाने की बात क्यों कहती है? तो भगवान ने कहा मुझसे, मैंने अपने आप को अपने हरि कीर्तन में, अपनी हरि कथा में बिठा रखा है, यदि वहां तक संतों के माध्यम से वो पहुंच गया, संत के मुखामुख से प्रवाहित हुई कथा यदि उसके कर्ण पुटों में पड़ गई, तो जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पापों का क्षमन हो। भैया एक आचार्य हुए हैं चीत स्वामी जी, भक्तमाल में उनका बड़ा सुंदर वर्णन है। चीत स्वामी जी एक आचार्य हुए और मथुरा के थे, चीतू चौबे के नाम से वो प्रसिद्ध थे। वे एक बहुत सुंदर वाक्य है उनका, वो कहते थे कि यदि इसी जीवन में कल्याण चाहते हो, यदि इसी जीवन में भगवत प्राप्ति चाहते हो, तो अपने आप को संत और सदगुरु के हाथन में सौंप दो, अपने आप को श्री गुरुदेव के हाथ में सौंप दो, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति निश्चित है। ऐसे दिव्य ऐसे आचार्य हुए हैं हमारे ग्रंथ के, और इसीलिए भगवान कहते मैं कथा में ही तो हूँ, मैं नाम में ही तो विराजित हूँ, इसीलिए मैं इनसे अलग कथा में और भगवान के नाम में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। स्वागतम भू महाभागम प्रियम किंकर वाणी व्रजस्या नाम एवं कच्चित वृंदागमन कारणम प्रजन्नेशा घोर रूपा घोर संपूर्ण शेखिता पति याद प्रजन्नेह स्त्रेहम स्त्री सुमुक्तिमा मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वा विजिग्नन्ती ह पश्यन्तु मा कृत्य बन्धु सत्कुशं दुष्टं बलं कुशमितं रागेश करलञ्जितं यमुना लिल्लैजे तरुपल्लक्षमुदितं तदयामाचितं पुष्टं शुश्रूषितं पतिं सती कृन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत गृहते अथवा मद्विस्मेहात् भवत्यो यन्त्रतासयात् आगता युपन्नम् अप्रियैः मयि जन्तव भक्तो शुश्रूषणं श्रीणां परो धर्मो यमाय चिद्वर्तमाच कल्याण प्रजानां चारुपोषणम् दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जलो रोग्य धनो पिबा पति स्त्री निर्वहातव्यो लोकेषु भूपातकी अस्मर्गम वैशस्यं च वल्मवृक्षं भयानो जुगुप्त सर्वत्र औपपत्रं कुलस्त्रियात् श्रवणात् पहला श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् अरे मयि भावो न कीर्तनात् न तथा संनिकर्षेण पति याहे ततो विधान। श्रीमद् रास पंचाध्याय के 29 दशम स्कंद के 29वें अध्याय का 15 से लेकर के 25 तक की व्याख्या। इसीलिए बहुत सरस हम लोगों को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से मिल गया, इस अवसर को ना छोड़ो भैया, ये अवसर मिला है श्री महाराज जी के चरणों में कथा सुनने का, इनके द्वारा प्रस्तुत, इनके द्वारा मुखामुख से प्रस्तुत हुए नामावली को कंठ में धारण करने का, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी जन्म में आप लोग जानते हो एक हमारे आचार्य हुए हैं हमारी संप्रदाय के श्री रूप गोस्वामी पाल, उन्होंने एक शब्द में बड़ी पूरा का पूरा सार कहा है। उन्होंने कहा है मानव जीवन लेने के बाद, मानव जीवन लेने के बाद यदि फिर से किसी माता के गर्भ में जाना पड़ा तो ये मानव जीवन पर धिक्कार है। यदि मानव जीवन लेने के बाद फिर से किसी माता के गर्भ में हमें वापस से निकलना पड़े तो हमारा मानव जीवन लेना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। एक चरित्र सुना देता हूँ आपको। श्रीमद एक संत हुए हैं, एक बहुत सुंदर भक्त हुए हैं, उनका नाम है श्री विप्रदेव जी, श्री मथुरा के हैं वे, और मथुरा के श्री विप्रदेव जी ऐसे हैं निरंतर सदगुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र, निरंतर उसका जाप, हरिनाम का दिव्य जाप, 24 घंटे श्री भगवान की अविरत झांकी का मनस्वी दर्शन, श्री भगवान की झांकी का दिव्य अवलोकन, उनका उनकी सेवा, सदगुरु के चरणों में समर्पण, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये सब सिग्निफिकेंस जो हैं, वो उन्होंने थे। एक बार क्या हुआ, उनके मन में आई विप्र पे विप्र की राखी हरि ने लाज भजोरे मन नटवर नंद कुमार, नटवर नंद कुमार
मन हुआ कि मैं ठाकुर जी के लिए सुंदर बंगला बनाऊं। उन्होंने बंगले की व्यवस्था के लिए पहले जो मथुरा था वो पहले से ही मंडी था, पहले से ही शहर था। उन्होंने क्या किया, मथुरा गए और जाकर के बढ़िया सुंदर फूल वाले जो फूल वाला था उससे बड़ा सुंदर सा वो सामने ना गुलाब का बहुत बड़ा गुच्छा लगा हुआ था, उसने कहा कि हाँ ये ठाकुर जी के लिए जो ठाकुर जी का बंगला है उसके लिए ये परमोत्तम रहेंगे। उन्होंने वो खरीदने का निश्चय कर लिया। दो पैसे में बात हो गई, उस समय दो पैसा भी बहुत बड़ी बात थी, दो पैसे में बात हो गई। उसने कहा ठीक है। इतने में अकबर का काफिला आगरा से चलता हुआ, दिल्ली से चलता हुआ आगरा की तरफ जा रहा था। तो अकबर ने कहा कि श्री भारत श्री बिहारी जी के दर्शन करने कर ले कर लेंगे, तो आप ऐसा काम करो कि आप है ना फूल ले आओ, आप ठाकुर जी के लिए फूल ले आओ, मंत्री को इजाजत दी। वो मंत्री आया, मंत्री आकर के उसकी नजर भी उसी फूल के गुच्छे पे पहुंची। वो फूल के गुच्छे पे जैसे पहुंची तो उसने कहा ये मैं लेऊंगा। तो विप्र ने कहा नहीं नहीं भैया, दो पैसे में बात पक्की हो चुकी है। बोले तो जानता है मैं कौन हूँ? विप्र ने कहा कौन है? तो उसने कहा हिंदुस्तानी शहंशाह का मंत्री हूं मैं शहंशाह हिंदुस्तान का मंत्री हूँ, अकबर का मंत्री हूँ, उसका दास हूँ। अब विप्र को बड़ी खींच मची, उसने कहा इतना अहंकार, उसने कहा तू तो हिंदुस्तान के शहंशाह का दास है और मैं जगत को जो सृष्टि को जो परिपोषित कर रहा है ऐसे जगत पिता का दास हूं। उसने कहा तू दो पैसे में बात पक्की कर रहे, तो ले पांच पैसे। विप्र ने कहा दस पैसे, उसने कहा पंद्रह पैसा, उसने कहा एक रुपया। ऐसे ऐसे बढ़ती बढ़ती रकम बढ़ती 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 सौ रुपए पे पहुंच गई। विप्र बोला सौ रुपए दूंगा। उस समय सौ रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत ज्यादा यूज होता था उससे। विप्र ने कहा सौ रुपए दूंगा। अब इतने में मंत्री के हाथ पैर कांपे, उसने कहा मैं अगर सौ रुपए इन फूलों में खर्च करूंगा तो वहां पे जो अकबर है उनसे क्या फायदा, दंड लूंगा, वो वही छोड़ झाड़ के भाग गया। अब जो माली था जिसके पास से फूल लेने थे, वो माली बोला विप्रवर यदि अब ये फूल दूंगा तो सौ रुपये में दूंगा। उसने कहा विप्र ने कहा तू चिंता मत कर, मैं अपने श्री ठाकुर जी के लिए बंगला बनाऊंगा, मैं सौ रुपए नक्की करता हूँ कि तू देगा ना तो सौ रुपए नक्की करता हूँ। उसने अपना समस्त सारी चीजें अपनी पत्नी के जेवर और अपना घर बेच करके सौ रुपए लिए। सौ रुपए लेकर के उसने वहां पर दिए और सुंदर वो फूलों का गुच्छा लिया। फूलों को गुच्छा लेने के बाद वे दोनों जंगल में पहुंच गए, एक वन में पहुंच गए झील के किनारे। पत्नी माँ था पीट रही ये क्या करी है। उन्होंने सुंदर सा बंगला ठाकुर जी का तैयार किया उस पुष्प से और एक छोटी सी पुष्प की माला बनाई और ठाकुर जी के हाथ और अपने हाथ में ली उसने और आंख मूंदी तो स्वयं वंशी नाद करते हुए श्री भगवान की दिव्य वंशी वादन प्रभु की दिव्य झांकी उनको दर्शन उनका दर्शन हुआ कि वृंदावन की दिव्य वीतियों पर विचरण करते हुए कटी के ऊपर किन्वरणी को सुशोभित करते हुए अपने हाव भाव मुद्रा को इधर उधर करते हुए श्री ठाकुर जी वंशी निनाद करते हुए ब्रजमंडल में चल रहे थे। भैया महाराज भगवान हमारे ठाकुर जी की वंशी अद्भुत है, इनकी इसकी तो चमत्कार अलग है। तो वो वहां पे पहुंच उनको दिव्य दर्शन श्री मुरली मनोहर के हुए। बांसुरी की धुन तीनों लोकन में छाई रही, देवनर नागर सो मुनि मन भाय रही, रोक्यो जमुना को जल चंदा हुन चाल है, ऐसो ही रंगीलो छैला मदन गोपाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, ऐसो ही रंगीलो छैला मदन गोपाल है, ऐसो ही रंगीलो छैला मदन गोपाल। दिव्य धाम झांकी का दर्शन हुआ। उन्होंने वो कंठ में हाथ में माला ली और श्री भगवान की जैसे ही कंठ में डाली वहां जतिपुरा में विठलनाथ गोस्वामी श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती कर रहे थे। जैसे यहाँ विप्र ने कंठ में माला डाली वहां श्रृंगार आरती के समय स्वयं ठाकुर जी की गर्दन नीचे हो गई, गर्दन नीचे हो गई तुरंत और नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो गए। तुरंत गोसाई जी ने पर्दा करा और अंदर पहुंचे, हाथ जोड़कर जय 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 क्या हुआ आपको, क्या हुआ?
उन्होंने कहा, हे गोसाई जी, आप मेरे मित्र भी हो, आप मेरे सखा भी हो। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म अखिलेश्वर मैं कृष्ण, समस्त सृष्टि का भार उठाने वाला मैं कृष्ण, पर मुझसे आज उस मित्र की माला का भार नहीं उठ रहा है, उसने उसकी माला का भार नहीं उठ रहा। सारी घटना उसे बताई। घटना बताने के बाद विप्र ने पूरी व्यवस्था करी, जहां पे उसके 100 रुपए देने थे वहां 100 रुपए, उसके पूरा घर वगैरह सब कुछ उसको दिया, और पालकी में बैठकर के श्री विप्रदेव जी को शिनाथ जी के सामने लेकर के आए। शिनाथ जी के सामने पहुंच करके विप्र ने शिनाथ जी को देखा, देखे इधर, देखे उनको ये और वो इनको, देखे जान विप्र की राखी प्रभु ने लाज, भजरे मन नटवर नंद कुमार, भगवान को वो उनको देखे जा रहे, वो इनको देखे जा रहे, दोनों के दोनों प्रेम विभोर हो गए। ठाकुर शिनाथ जी के गले में जो कंठा हार सुशोभित था उसको निकाल करके जब विप्र के गले में डाला तो शिनाथ जी की गर्दन ऊपर हो गई। एक दूसरे को देख करके प्राण वल्लभ है वो श्याम सुंदर, प्राण वल्लभ है, एक दूसरे को देख करके प्रेमावेश में आ गए, प्रेम विभोर हो गए, और दोनों के दोनों एक दूसरे के प्रेम में संलग्न हो गए। ऐसे दिव्य विप्र का चरित्र आप लोगों ने हमने श्रवण किया। भैया मेरा सौभाग्य है आप लोगों के सामने आज एकादशी तिथि के एकादशी तिथि में श्री महाराज जी के चरण चरणाश्रित होकर के। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरा बहुत बहुत मेरे ऊपर महाराज जी की कृपा बहुत है, क्योंकि एक बात है, हमारे हमारा जो वाचन है वो कब धन्य है। देखो हमारा श्रवण तो तब धन्य है जब हमारे जब हम श्री संत के मुख से संतन के मुख से जब हम लोग हरि कथा सुनते हैं, लेकिन हमारी वाणी कब धन्य है। हमारी वाणी तब धन्य है जब हम हरि कथा श्री गोविंद को तो सुनाई रहे हैं, साथ साथ हमारे श्री सदगुरुदेव भी उसको सुनते हैं। जब ऐसी अवस्था आती है तब कंठ भी धन्यार्थ धन्य हो जाता है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप लोगों को समस्तों को सभी को प्रणाम करता हुआ, बार बार आशीर्वाद मांगता हुआ, ये षोडश नामावली युक्त नाम हरे कृष्ण महामंत्र मेरे मुख से निरंतर बरसता, निरंतर प्रकट होता रहे, ऐसे समस्त वैष्णवों को प्रणाम करके पूज्य पाद महाराज जी सद्गुरुदेव को मेरे प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव विद्युत जनों को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय चाहते हो आपका बच्चे भी ऐसे बने, तो कौन चाहते हो आपका बच्चे भी ऐसे बने। लेकिन हम लोगों का एक बहुत बड़ा इच्छा क्या जानते हो, हम तो बॉलीवुड में हम अपना बेटा बेटी को हीरो हीरोइन बनाएंगे, ये सबकी मन में बहुत बड़ी इच्छा रहती है, हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बच्चों को बनाएंगे। देखो 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे जो शरीर छोड़ चुके हैं, अभी दुनिया में वो हीरो हीरोइन का नाम कोई ले रहे हैं दुनिया में? आप बड़े बड़े हीरोइन का जीवन पढ़ करके देखोगे ना, जीवन में इतने डिप्रेशन में आए, लास्ट में सुइसाइड करने मरे। बड़े बड़े हीरोइन का अगर चरित्र पढ़ोगे, सुंदरी से सुंदरी सबके सब सुइसाइड करके मरे सारे हीरोइन। लेकिन हमारी बहुत बड़ी इच्छा हम तो बच्चों को हीरो हीरोइन बनाएंगे, भक्त नहीं बनाएंगे। अगर कोई बेटा थोड़ी से भगवान की भजन करने लग जाए ना, बोले ये कोई उम्र है कहीं भजन करने का, ये अभी से तिलक माला ये सब कंटी क्या धारण कर रहे हो। लेकिन बेटा अगर सिगरेट पीता है ना, शराब पीता है, बोले वेरी गुड, मेरा बेटा तो बहुत एडवांस हो रहा है, शराब पी रहा है ना और सिगरेट भुग रहा है। लेकिन अगर गला में कंटी तिलक माला पहने तो उन्हें क्या, ये कोई तेरी उम्र है भजन करने की? हाँ देखो ये भागवत में ये नरसिंह भगवान खुद ये बात को कहते हैं। हाँ ध्यान देकर सुना, जिस समय भगवान नृसिंह अवतार में श्री हिरण्यकश्यप को वध कर डाले, इतने में भगवान श्री प्रहलाद को कहते, बोले बेटा मेरे से पैर मांग लो। बोले पिताजी अगर पैर करना चाहते हैं ना, मेरे पिताजी को मुक्ति करा दो, मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे, आपका बड़ा हिंसा किया। ठाकुर जी कहते हैं तेरे जैसे बेटा जिस घर में जन्म ले लिया उसकी पिता माता की उधार की कोई बाकी रह गया? बोले तेरे पिता की बात क्यों कह रहे हो,
प्लती सप्त भी पिता पुत्र। तुम्हारी ती सप्त मतलब तीन सात, मतलब तुम्हारी 21वीं पीढ़ी तुम्हारी उधार हो गई। कितना पीढ़ी उधार हो गए? तुम्हारी 21वीं पीढ़ी उधार हो गए। और जो पिता माता वो बच्चे को गर्भ में धारण किया ना, वो पिता माता तो पहले ही मुक्ति उनको मिल जाएगी। हाँ, उनको मुक्ति मिल जाएगी। जो पूर्वज लोग पहले चले गए, जब देखते हैं वंश में एक बेटा प्रभु का भक्ति करना शुरू कर दिया, बोले नृत्यन्ति स्वर्गे, कहते वो लोग स्वर्ग में नाचना शुरू कर देते हैं। हमारी बहु भाग्य है, हमारी वंश में एक बेटा प्रभु का भजन में लग गया। अभी कोई चिंता नहीं, हमारी अपने आप मुक्ति हो जाएगी। बोले जिस पृथ्वी को ऊपर भी वो बच्चा जन्म लेता है, वो पृथ्वी भी अपने आप को धन्यत धन्य मानती है। अहो भाग्य है, मेरे गर्भ में मेरे पृथ्वी को ऊपर में एक साधु जन्म लिया। इतने लाभ घर में एक बेटा अगर प्रभु की भक्ति करता है। हाँ देखो माताएं ध्यान से देखना, अगर बच्चे अगर भजन नहीं किए, बच्चे अगर गलत रास्ता पर गए, बोले इसका पाप भी पिता माता को भोगना पड़ेगा। इसलिए पुराण में कथा आती है, बोले कोई एक जोगी स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म किया और स्वर्ग में गया, और सोने की सिंहासन में उनको सेवा कर रहे थे भक्तनिया स्वर्ग में। लेकिन वो व्यक्ति बैठ बैठ करके रो रहा था, बेहोश हो रहा था। वो जोगी ने पूछा, तुमने इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया, यहाँ रो रहे हो, यहाँ बेहोश क्यों हो रहे हो? देखो क्या कहता है, बोले मेरे से एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले मैंने बहुत पैसा कमाया, दान पुण्य भी किया, इसलिए मैंने स्वर्ग में आया, लेकिन एक गलती हो गई, मैंने बच्चों को मैंने प्रभु की भक्ति मार्ग में नहीं लगाया, और मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था उसी पैसा से बच्चे शराब पी रहे हैं, उससे जुआ खेल रहे हैं, उससे सिगरेट फूंक रहे हैं। चूँकि मैंने ही वो पैसा कमा करके आया, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब है अगर कोई पिता माता पैसा कमा करके गया जगत में, बच्चे उसको असत रूप में व्यवहार किया, कहते उसका पाप उसको स्वर्ग में भी नहीं छोड़ता, वहाँ पर भी उसको दुख करके उसको भोगना पड़ना है। ये कर्मों की इतनी गहना गति है। इसलिए कल वो पायलट जी, ध्यान करके सुनो, कल वो पायलट कथा कर रहा था ना, वो बता रहे थे ना, मैंने दो बच्चे मेरे कनाडा में हैं, लेकिन गले में कंठी तिलक हरिनाम करते हैं, ठाकुर जी का नाम जब करते, बता रहा था ना, बोले क्यों करते हैं? कारण है उसको पिता माता दोनों भजन करते हैं, उसके पिता माता दोनों ही भक्ति करते हैं, इसलिए जो पहला गुरु है ये पिता माता, ये पहला गुरु है। ये जो पिता माता ये साक्षात गीता रामायण भागवत ये पिता माता, क्योंकि पहले संस्कार बच्चों को कहाँ से पढ़ेगी? पिता माता से पढ़ेगी। अगर पिता माता खुद माला नहीं जप करे, पिता माता स्वयं भगवान की भक्ति नहीं करे, बच्चे कभी जितने हजार तुम बोल दो वो बच्चे कभी सुधर नहीं सकते, वो बच्चे कभी सुधरेंगे नहीं। इसलिए पहला भजन हम पिता माता को हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसलिए सबके साथ सवेरे उठ करके क्या करना? माला जप करना। क्या करना? क्या करोगे? आज माला जप किए हो? कौन कौन किए हो आज माला जप? बताओ आज सवेरे कौन कौन माला जप किए? हाँ बहुत बढ़िया। और जो लोग नहीं करते हैं ना, जरूर माला जप करनी चाहिए, ठीक है ना? सबके सब हरिनाम करना, बच्चे को ऊपर में अच्छे संस्कार पड़े, और बच्चे अच्छे संस्कार बने हैं और भगवान की भजन करें, और संसार में हमें शांति और सुख तभी मिलेगी। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 ने पुतना को भेज दी कृष्ण को मारने के लिए। अभी ब्रज में पुतना बड़ी सज धज करके आई और सीधा नंद भवन में प्रवेश कर गई।
वहां पर कृष्ण लेट रहे थे, मैं उतना सीधा गई और कृष्ण को उन्होंने उठा ली। बोले मैया जस दे, इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। लेकिन कृष्णा को उठाते ही कृष्णा आंख बंद कर दिए। बोले आंख क्यों बंद कर दिए? उसका चार पांच संतों ने चार पांच कारण सुनाए। पहला कारण सुनाया, बोले तुम कपटी हो, ऊपर में तो माँ के रूप धारण करके आई, लेकिन इस तन में काल को कुछ जहर लेकर के आई हो, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। दूसरा कारण बताए, बोले तुम यहाँ पर बच्चों को मारने के लिए आए हो, जितने बच्चे हैं सब मेरे सखा सखी हैं, इसलिए तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। तीसरा कारण बताए, कृष्ण आए क्यों जगत में? कहते दुष्टों को विनाश करने के लिए, संतों को पालन करने के लिए। बोले अभी ठाकुर जी पहला बार उन्होंने घुतना को मारेंगे, लेकिन ये माँ के रूप धारण करके भी आई, बोले इसकी कष्ट अभी कैसे मैं देख सकता हूँ, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिए। चौथा कारण बताए, बोले ये पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की जो मेरे को ये साक्षात गोद में ले रही है? मैंने आंख बंद करके देखा, सचमुच से ये पूर्व जन्म में ये बलि महाराज का बेटी रत्नमाला थी। जब भगवान वामन रूप लेकर के गए, इनकी बेटी की मन में इच्छा हुई थी, अगर मेरा ऐसे के लाला होता ना, तीन भर गोद में लेकर उसको मैं प्यार करती। लेकिन ठाकुर जी जब सब कुछ ले लिए, हाँ सब कुछ ले लिए, बोले अगर तुम मेरा बेटा बन करके आओगे ना, तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, बेटा भी बन जाऊंगा और जहर भी पान कर लूंगा। इसलिए उन्होंने आंख बंद करके देखा, वही रत्नमाला है। इसकी पंचमा कारण बताए, भगवान को अभी दूध नहीं वो जहर पिलाएगी। अरे भगवान के गर्भ में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, अभी विश्व ब्रह्मांड तरस उठे। बोले प्रभु आप इसकी स्तन को पान बंद करो, क्योंकि ये स्तन में केवल जहर जहर लेकर के आए और आपकी गर्भ में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, अगर आप इसकी स्तन पान करोगे विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, सारे विश्व ब्रह्मांड कांप उठे। इतने में कृष्ण आंख बंद करके श्री शंकर जी को बुलाए। बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आ जाओ। बोले क्यों? बोले आपका काम है बीस पीना और मेरा काम है दूध पीना, इसलिए आप बीस बीस को पी लो, मैं दूध दूध को पी लेता हूँ। इतने में पुतना ने जब स्तन पान कराए, भगवान उसको प्राण को मैंने शोषण की। पुतना देखा छेद का बच्चा और ऐसे लग रहा है जैसे मेरे प्राण को शोषण कर रही है, अगर मैं मथुरा किसी तरह से चले जाओ भैया कुछ व्यवस्था करेगा। इतने में धीरे धीरे पुतना अपना स्वरूप में, अपना भयंकर स्वरूप में पुतना आई। बोले कितने बड़ी पुतना थी? बोले त्रिगभ्युति। त्रिगभ्युति का मतलब है बोले आठर वीर लंबी चौड़ी थी। इतने में पुतना आकाश में उड़ चली। बोले कहाँ पर ले गई? बोले कंस महाराज का एक सुंदर बगीचा थी, बड़े सुंदर फल फूल से भरा हुआ था। कंस का आदेश था यहाँ का फल फूल किसी ब्रजवासियों को नहीं मिलनी चाहिए, कृष्णा और उनकी भक्तों को नहीं, मेरे को और मेरे अनुयायी जितने उनको मिलनी चाहिए। कृष्ण ने कहा दुनिया बनाया मैंने, सब कुछ मेरा है और सब कुछ मैंने भक्त के लिए बनाया, मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा, सब दुष्टों को मिलेगा। उन्होंने पुतना को उड़ा करके वहीं पर ले गए और वो जो बगीचा थी ना वहां पर उन्होंने धड़ाम करके गिराया। गिराए तो जितने सारे पेड़ पौधा जितने फल फूल को उन्होंने तसनस कर दिया। हाँ देखो यहाँ पर हमारे श्री टीकाकार लोग कहते हैं भगवान पुतना को वहां पर क्यों उड़ा करके ले गए, इसका कारण क्या है? देखो आप लोग ध्यान देकर सुना, मेरे तरफ में देखो, सात दिन तक कथा सुनोगे, सात दिन तक सुनोगे ना, कम से कम एक शिक्षा लेकर के जाओ, एक एक यहाँ से एक शिक्षा लेकर जाओ। ये पुतना को क्यों वहां पर लेकर के चले गए? किसी ब्रजवासियों का कोई जमीन खेती कोई भी बिगड़ा नहीं, लेकिन ये जो कंस का जो बगीचा था ना इसकी पूरी सत्यानाश हो गई। बोले कारण क्या? देखो हमारे टीकाकार इसका रहस्य कहते हैं,
बल्कि जो दुनिया है ये दुनिया को बनाया किसने, किसने दुनिया को बनाया, भगवान ने बनाया, हमने कोई चीज नहीं बनाई। इसलिए उपनिषद कहता है ईसा वास्व इदम सर्वम जत किंचा जगत जगत, मतलब है दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं इसको ठाकुर ने बनाया, हमने कोई नहीं बनाया। फिर क्या करनी चाहिए, बोले तेना तेपन भुंजिता, घर में जो कुछ खाना बनता है पहले ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाओ, ठाकुर जी को पहले तुलसी पत्ता से ठाकुर को भोग लगाओ, क्या हो गया, ठाकुर का वस्तु ठाकुर जी के अर्पण हो गया, तब वो हो गया प्रसाद हो गया। अगर प्रसाद हो गया ना, अगर हम भगवान की प्रसाद को खाएंगे, कृष्ण गीता में कहते हैं प्रसाद सर्व दुखानाम हाथिरस उपजाई, मतलब है जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा कर खाते हैं उनका घर का जितने दुख कष्ट है वो सारे दुख कष्टों की समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा कर खाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भोग नहीं लगाते हैं, स्वयं बनाए और स्वयं चल कर लिया, स्वयं खा लिया, कृष्ण गीता में कहते हैं भुंजते तो अघम पापा है, और जो वो केवल पाप पाप को भोजन करता है। और मनु संहिता कहता है स्वान पिष्टा समाचार, मतलब जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है तद ये कुत्ते की पिष्टा की बराबर है, और जो पानी है ये पेशाब की बराबर है, जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम तो ठाकुर को भोग ही लगाते हैं, क्या कहते हैं ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, लेकिन कैसे भोग लगाते हैं जानते हो, कैसे लगाते हैं, स्वयं तो प्याज लहसुन डाल करके शाही पनीर मटर पनीर पालक पनीर और चकाचक राजमा खा रहे हैं, और ठाकुर जी को थोड़ी सी मिठाई नहीं तो एक गिलास दूध नहीं तो थोड़ी सी बाता से भोग लगा दी, और हम बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए है। इसलिए क्योंकि घर का मालिक ठाकुर है, घर का मालिक हम नहीं है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, हाँ ध्यान देकर सुना, हमारे गुरु जी कहते थे जैसे आपका घर में कोई नौकर हो, वो नौकर क्या करता है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है चकाचक और खुद खाता है, और मालिक को जैसे तैसे खिला देता है। अगर मालिक को ये बात पता चलेगा, बता मालिक क्या करेगा, बता मालिक क्या करेगा, उसको घर से निकाल देगा, घर से बोले तुम मेरे घर में रह रहे हो खा रहे हो मेरा और बढ़िया बढ़िया खुद खाते हो, हमको जैसे तैसे तुम खिला देते हो है। उसी तरह घर का मालिक तो ठाकुर, हम तो ठाकुर का सेवक है, ठाकुर जी की सेवक है। अगर ठाकुर जी को बढ़िया से खाना नहीं खिलाएंगे, स्वयं तो बढ़िया बढ़िया प्याज लहसुन डाल कर खाएंगे, और ठाकुर को देसे देसे नहीं, घर से पहले प्याज लहसुन को निकाल दे घर से। कल मैं बता रहा था ना, ये प्याज लहसुन बना कहाँ से, यदि सौर भानु दैत्य का ये जब उन्होंने अमृत पी ली, चंद्र सूर्य ने जब ठाकुर को इशारा किया, ठाकुर जी चक्र से उसको गला काट दिए, गला काटने पर जहाँ पर मांस गिरा वहां से प्याज उनको डाल दी, जहाँ पर हाथी गिरा वहां पर लहसुन हो गया, जहाँ पर खून का बूंद गिरा वहीं पर मसूर दाल हो गया। ये तो एक कथा की भागवत की कथा है। दूसरी पुराण में कथा आती है, पहले पहले ऋषि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे, लेकिन कोई गैया बूढ़ी हो जाए उसको मरने नहीं देते थे, क्यों, गाय माई गैया माँ है, वो यज्ञ करते थे, यज्ञ में वो गैया को बलिदान देते थे, लेकिन ऋषि जब मंत्र पढ़ते थे वो बूढ़ी गैया जवान बन करके निकलती थी। एक समय कोई गैया बूढ़ी हो गई, बलिदान दिया, काट करके मांस सबका हाथ भी दे दिया। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसी ने ये मांस दे करके खाने की इच्छा हो गई, अभी सोच रहे हैं सबका सामने कैसे खाऊं, अभी उसको रात में छुपा छुपा देता हूं, जब सब चले जाएंगे खाऊंगा, सबके सब डाले। ऋषि ने मंत्र पढ़ा, गैया एकदम जवान बन करके प्रकट हुई, लेकिन जिस रंग का मांस उन्होंने छुपाया था देखा वहां पर इतना बड़ा घाव बना हुआ। ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा ध्यान लगाए, उन्होंने सब चीज को उन्होंने देख लिया, उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जहाँ पर ये मांस को गाड़ दिया वहां पर प्याज की पौधा होगी, जहाँ पर हाथी को गाड़ दिया लहसुन की पौधा होगी। आप देखना जैसे मांस जैसे सड़ जाने पर बदबू आती है, आप कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू आएगी, बात नहीं कर सकते,
जैसे यहाँ प्याज कटने की बुराई, यहाँ पता चलेगा मैं प्याज कट रही हूँ। कहीं प्याज की छौंक तो इतना बदबू फैल जाती है, प्याज काटो आंखों से आंसू आ जाती है। आप लोग नवरात्रि रखते हो, नवरात्रि रखते हो, नवरात्रि और 9 दिन तक प्याज उसमें खाते हो, खाते हो नहीं खाते हो? बोले क्यों नहीं खाते हो? माता जी को ये चीज पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते है ना। क्या मैया को 9 दिन के लिए पूछ रखो, फिर खा करके नाराजी कर दो? इसलिए ठाकुर जी को जो चीज भोग नहीं लगता है वो चीज हमें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। केवल इतना चीज छोड़ो जीवन में, और तो कोई गंदी चीज नहीं खाते पीते हो बढ़िया सब, केवल प्यार लहसुन थोड़ी सी, इतनी सी बात है। अगर छोड़ दोगे ना, आप स्वयं देख लेना घर में जो परेशानी आती है, कि कृष्ण खुद कहते हैं बगैर प्याज लहसुन डाल करके भगवान को भोग लगा कर खाओ, स्वयं देख लेना कृष्ण स्वयं कहते हैं मेरे को जो भोग लगा कर खाता है उसको घर में कोई भी परेशानी नहीं आई। अब जो मेरे को भोग नहीं लगा कर खाएगा घर में सारे परेशानी आएगी। क्यों? इसका कारण सुन लो, तात्पर्य क्या है। जो हम पैसा कमाते हैं, पैसा का नाम लक्ष्मी है। क्या है पैसा का नाम? आप बताओ लक्ष्मी किसकी है? नारायण की ना लक्ष्मी हमारी लोग? नारायण। तभी वो लक्ष्मी संतुष्ट रहती है जब वो चित्त नारायण की सेवा, ठाकुर की सेवा में लग जाए, तभी वो खुश रहती है। अगर प्याज लहसुन डालोगे सारे चीज पैसा से खरीद किया, अगर प्याज लहसुन डालोगे नारायण की सेवा में नहीं लगेगा, कृष्ण सेवा में नहीं लगेगा, फिर लक्ष्मी को आप भोग करने हो। इसलिए जब लक्ष्मी को भोग की भावना आए, भले ही घर में करोड़ रुपया आ जाए तुम्हारी, वो घर में शांति सुख कभी नहीं आए। क्यों? लक्ष्मी नाराज है तुम्हारे घर में, लक्ष्मी को तुम भोग करना चाह रहे हो, इसलिए लक्ष्मी घर में कभी भी शांति सुख दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन केवल भगवान को भोग लगा दो बस, ठीक है ना। क्या करो? केवल कितनी सी काम करो, प्याज लहसुन छोड़ करके शुद्ध रूप में खाना बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। इसलिए यहाँ पर पुतन हमारे टिका कर कह रहे हैं, ये पुतना क्यों आ गई? कारण है क्या? इसलिए आ गई, कंस ने ये बताया था यहाँ का जितने फल फूल है ना, कोई कृष्ण सेवा और किसी भक्त सेवा में नहीं लगनी चाहिए। भगवान के तार दुनिया बनाया मैंने, और मेरे सेवा में और मेरे भक्त सेवा में नहीं लगेगा, ये सारे दुष्ट लोग खाएंगे। इसलिए पुतना ऊपर जा गई और वहां पर पुतना किराया है। इसलिए टीकाकार लोग कहते हैं अगर हम ठाकुर का सेवा पूजा करेंगे ना, फिर हमारे घर में पुतना नहीं आएगा। पुतना मतलब क्या है? राक्षसी है। पुतना राक्षसी है, ये अपवित्र ही है, पापी है। इसलिए भगवान जीवन में सबसे पहले ठाकुर जी ये पुतना को मारे। बोले पुतना को क्यों मारे? बोले अगर कोई भगवान को बैठना चाहते हैं, पुतना का और एक अर्थ है, पूत मतलब पवित्र और नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है, हैं? भगवान शिक्षा देते हैं हृदय में ठाकुर को बैठना चाहते हो, पहले ये सारे अपवित्रता को दूर करो, फिर तब मेरे को तुम अपना हृदय में बैठा सकते हो। एक बार सबके साथ हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कल हुई। इसलिए भागवत में ये गिरिराज पूजा की बड़ा महत्व है। गिरिराज कौन कौन गए हो? हाँ तो क्या तो गिरिराज कौन कौन गए हो? कहीं देख सबके सब गए हो। इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब है जो कुछ उसने गिरिराज से मांगो गिरिराज पूरी कर देते हैं। आप लोग जो जो गिरिराज गए हो आप वहां पर देखना, गिरिराज का जो पत्थर है ना, वो पत्थर के ऊपर में पत्थर रखा हुआ, जानते हो पत्थर के ऊपर पत्थर क्यों रखा हुआ? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए वो जितने पत्थर के ऊपर पत्थर रख देता है ना, ठाकुर जी उसको इतना मंजिली मकान दे देते, इसलिए वहाँ पत्थर के ऊपर में पत्थर रखा हुआ।
हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, कृष्ण स्वयं उसको पीछे पीछे भगवान कृष्ण घूमते रहते हैं। भैया ये मेरे से क्या मांगेगा, मेरे इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहा है। हमारे गुरु जी कहते थे, आप गिरिराज जो गए देखे होंगे, दूध की धार की परिक्रमा लगा रहे हैं, गिरिराज की अभिषेक कर रहे हैं, आप देखना पेड़ में पेड़ बांध करके आते हैं और गिरिराज की देखना बिछिया में धागा लपेट करके आते हैं। बोले क्यों, कारण क्या है? बोले जिनकी घर में बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा की शादी नहीं हो रहा है, घर का बिजनेस ठप हो गया, चल नहीं रहा है। गुरु जी कहते थे कि गिरिराज ऐसे एक देवता है, कुछ भी श्री गिरिराज की परिक्रमा करते हुए मांगो, ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं। इतने कष्ट कर रहा है, क्या मांगेगा, ठाकुर जी सब दे देते हैं। इसलिए आप देखना गिरिराज में 24 बार महीना वहाँ पर अन्नकूट महोत्सव होता है, 12 महीना वहाँ पर ठाकुर जी की अन्नकूट वहाँ पर होता है। इसलिए गिरिराज की कितने महिमा। इसलिए कल श्री गिरिराज की यहाँ पूजा कराएंगे, इसलिए आप लोग अपना अपना घर से गिरिराज के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आना, जैसे कोई थोड़ा फल लेकर के आना, नहीं तो कोई थोड़ा मिठाई लेकर के आना, नहीं तो अगर बढ़िया से बना सकते हो थोड़ी सी सूजी के हलवा बना देना, नहीं तो पूड़ी बनवा देना, नहीं तो कढ़ी बना देना, नहीं तो जो बढ़िया खाना बनाते हैं ना घर में, तुम जो सबसे बढ़िया बनाते हो बगैर प्याज लहसुन के बना करके ले कर गिरिराज के लिए आना। ये स्वयं गिरिराज जी बताए, ये अन्नकूट उत्सव में एक अन्न का दाना जो कभी भोग लगाएगा, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, ये स्वयं कृष्ण बताए। उसकी घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, ये भगवान की मुंह से ये निकली हुई बात है। इसलिए कल हम लोग यहाँ पर श्री अन्नकूट गिरिराज महोत्सव करेंगे, ठीक है? बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जय कौन कौन आज एकादशी व्रत रखे, कौन कौन रखे एकादशी? देखो कल मैंने एकादशी की बड़ी महिमा हमने कथा सुनाई थी, बड़ी महिमा हमने सुनाई एकादशी को, बताया कि कल्प वृक्ष व्रत है, मतलब जो कुछ एकादशी का दिन आप मांगोगे एकादशी सब इच्छाओं की एकादशी ये पूरी करते हैं, सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। कल मैंने बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाई थी, एकादशी व्रत कैसे करनी चाहिए, एकादशी व्रत करके क्या लाभ होता है, हैं? कल मैंने कथा सुनाई थी, आज आपको एकादशी का दिन है, आज एक कथा सुनिए। बोले हमारे भारत में एक राजा हुए हैं जिसका नाम था रुक्मांगद महाराज। ये महाराज बड़े भगवान के भक्त हैं और इन्होंने अपना देश में नियम रखा था, मेरे देश के जितने प्रजाएं हैं सबको एकादशी करना पड़ेगा, जो मेरे देश में एकादशी व्रत नहीं रखेगा उसको राज्य से मैं निकाल दूंगा, नहीं तो उसको मृत्यु दंड है, इतना कड़क थे राजा। इसलिए वो राजा में राज्य में जितने प्रजाएं थे सब के सब एकादशी व्रत रखते थे। और एकादशी मतलब क्या है, ग्यारस, एकादशी मतलब ग्यारस है, एकादशी ग्यारस को कहते ना, इसलिए हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं, कहते पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेंद्रिया और इनका जो राजा श्री ये बने, ये हमारी ये चार इंद्रिया है। इसलिए नियम है एकादशी का दिन ये चार इंद्रियों को द्वारा विशेष करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। रोज रोज जो नाम करते हो एकादशी का दिन थोड़ी सी ज्यादा नाम करनी चाहिए। एकादशी अगर एक माला दिया ना 100 माला करने का फल मिलता है एकादशी का दिन, क्यों? एकादशी साक्षात भगवान बांके बिहार की व्रत है, ये विष्णु राम का व्रत है। इसलिए शास्त्र में बताया ये पृथ्वी में जितने सारे व्रत हैं वो सारे एक तरफ में कर दो, एक तराजू लेकर के, और केवल तराजू का एक तरफ में एकादशी व्रत का फल। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 आज अर्जुन का नाम लिया इधर आ जाओ।
संतोष आंटी हाँ निकले निकले जोरदार ताली बजाओ जोरदार ताली बजाओ। हाँ इन्होंने ठाकुर जी की निकाह दस में प्रसाद दिए, ठाकुर जी इनकी कृपा करे, इनको अपने आशीर्वाद दे, सबको फलते फूलते रहे और जीवन में सुखी और शांति में रहे। आप पहन लो मतन पहन लो भागवत का प्रसाद प्रसाद। जब ठाकुर जी की आरती होगी ना, ठाकुर जी की आरती में आकर ठाकुर जी आरती करते हैं। बस वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो भगवान की जो नाम है ना, हाँ ध्यान देकर सुना, भगवान की जो नाम है अपने आप करोगे तो फल मिलेगा, अपने आप करोगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन जब ये ठाकुर जी के नाम हम किसी भक्तों के हाथों से जब लेते हैं, किसी साधु के हाथ में जब लेते हैं ना, उसका विशेष फल है। एक उदाहरण दिया, जैसे आपका ध्यान देकर सुना, इधर ध्यान दो, जैसे आपका हाथ में एक गोली है, अगर ये गोली को इसे फेंकोगे ना किसी के ऊपर में मारोगे, हाँ चोट तो लगेगी, लेकिन वही गोली को जब आप बंदूक को अंदर में रख करके मारोगे क्या होगा बताओ? अगर वही गोली को बंदूक को अंदर में देख करके मारो बताओ क्या होगा? वो प्राण ले लेता है। तो उसी तरह अगर हम ठाकुर जी के नाम अपने आप करते हैं वो तो फल देगा ही, क्योंकि भगवान के नाम, लेकिन वो कौन सा फल देगा? ये सांसारिक फल को प्रदान नहीं देगा। देखो हमारे गुरु जी की कथा सुनाया करते थे, ध्यान देकर सुनो, बोले एक समय कोई एक साधु कोई कथा कर रहा था। वो कथा करते करते उन्होंने बताया, देखो इधर उधर मेरे तरफ में देखो, अगर कोई भगवान की नाम जप करता है, अगर कोई भगवान की नाम जप करता है ना, वो क्या होता है? वो भवसागर से वो पार हो जाता है, ये भवसागर से वो पार हो जाएगा। लेकिन उसको घर में एक तोता ही पिंजरा में रहता था, जब वो साधु ने बताए भगवान के नाम से जी भवसागर से पार हो जाता है, वो तोता ने वहां पर बोले, भैया आप झूठ बता रहे हो, आप झूठ बता रहे हो। बोले भैया ऐसे क्यों कहते हो मैं झूठ बोलता हूँ? बोले देख मेरे जीवन को देख, कहते मेरा अपना जीवन को देख, मैं ये छोटा सा पिंजरा को अंदर में रहता हूँ और मालिक को जब जब ये मालिक आता है ना, तब तक मैं इसको राम 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 बोलता हूँ, राधे 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 बोलता हूँ, लेकिन ये छोटा जो पिंजरा का अंदर से अब तक मेरी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन तुम तो कह रहे हो जो भगवान के नाम जब कहते हैं कहते ये भव सागर से पार हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। बोले भैया बात सही है। तो उसने आया अपना गुरु जी को बोले, बोले गुरु जी मैं ये भक्तों को घर में कथा कर रहा था, मैंने जब बताया भगवान की नाम लेने से जीव ये भवसागर से पार हो जाता है, वो तोता ने मेरे को ऐसे ऐसे बात बताई। तो गुरु जी ने कहा चलो मैं तेरे साथ में चलता हूँ, मैं तेरे साथ में चलता हूँ, जा तुम कथा करो। जब वो साधु ने कथा किया, अगर कोई भगवान के नाम जब करता है ये भवसागर से पार हो जाता है। इतने में तोता ना बोल, तोता बोलना शुरू कर दिया, बोले झूठ है ये बात, झूठ है। तब वो गुरु जी ने कहा भैया तुम झूठ क्यों कह रहे हो? बोले आप मेरे को देखो ना, मैं ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जो आते हैं मैं उसको सब राम राम बोलता हूँ, राधे राधे बोलता रहता हूँ, देखो मेरी उधार नहीं हुई है। आप कहते हो ये भवसागर से पार हो जाएगा, ये साधारण पिंजरा से मेरे को मुक्ति नहीं मिली। हाँ एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे
तेरा ध्यान देकर सुनो। साधु ने बोला देखो तू जो राम राम करता है ना, तू जो राधे राधे करते हो, इसलिए तेरे को ये पिंजरा से मुक्ति नहीं मिली, चूंकि तू किसी साधु से ग्रहण नहीं किया है, इसलिए ये पिंजरा से तेरे को मुक्ति नहीं मिली। तो अपने आप बोलते हो बल तेरे आप मेरे को आप ही बताओ। तब तो वो साधु ने वो तोते को कहा ना मैंने तुझे मंत्र पढ़ दिया। जब मंत्र पढ़ दिया, जब ये कथा समाप्त हो गई, वो तोता ने शरीर छोड़ दिया। लोग ने कहा बोले भैया देखो ये तोता का जीवन धन्य है, क्यों? भगवान की कथा सुनकर किसने अपना शरीर को छोड़ दिया, इसका जीवन धन्य है इसका जीवन। चलो इसकी हम अर्थी निकालते हैं। अभी बड़े सुंदर अर्थी निकाले, तोते को उसमें लेटा दी, गले में सुंदर माला पहनाए। जब उसको अर्थी निकाल करके ले जा रहे थे, इतने में वो जो तोता था ना उन्हें भर भर कर टूट गया। इतने में वो साधु ने कहा भैया ये बताओ, जब तक साधु से नाम नहीं लेते हो बताओ मुक्ति मिलती कि नहीं? बोला हाँ मुक्ति मिलती है जब ये नाम साधु से ग्रहण करे। जब ये नाम साधु से ग्रहण करे तभी मुक्ति मिलती है, क्योंकि साधु ने कहा देख भैया जब तक तू मरने का बहाना नहीं करोगे ना तब तक तेरी मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए तू मरने का बहाना बनाना, और जब तेरे अर्थी सजाएंगे ना फिर तू घूम करके अपने आप चल जाना, फिर तू घूम करके चला जाना। बोले हाँ मुक्ति मिलती है जब किसी साधु से प्रभु की नाम ग्रहण करते तभी मुक्ति मिलती है। बोले श्रीमती राधा रानी की। अभी श्री राधा रानी सजाए राधा रानी को भैया, जे पी भैया राधा रानी को सजाए और उसको पिता माता को सजाए कि नहीं सजाए ना? हाँ अभी पाँच मिनट में लेगा राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। देखो कहते आप लोग अगर ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ोगे अपने आपको कहीं भी राधा जी का नाम सुनने को नहीं मिलेगा है, लेकिन आप वृंदावन में जाओ किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलेगा। वृंदावन में क्या बोलते हैं? जोर से बोलो और जोर से और जोर से। हाँ वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का नाम। बोले राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? देखो एक समय कोई एक संत ने बड़ा सुंदर पद्य लिखा, वो कविता में लिखा हुआ था मैं तो श्याम रंग में रंग गई, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग गया। वो कविता सब संतों के पास में गया, संत लोग सुनकर बड़े खुश हुए। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त के पास में गया तब उन्होंने एक श्लोक लिख करके भेज दिया। देखो वो श्लोक क्या कहता है? बोले अनारत्य राधा बदा भोज रेणु अनास्त्रिम वृंदावनम तद अदभी असंभास तद भाव गंभीर चिता उतः श्याम सिंधु रस श्याम गाओ। इसका मतलब होता है बोले देखो ये जो कृष्ण भक्ति ये सहज में नहीं मिलेगी, क्योंकि कृष्ण जैसे तीन जगह में टेढ़े हैं कहते इनकी भक्ति भी तीन जगह में टेढ़े। हम लोग इधर देखो, हम लोग सब उधर देख रहे हो, अभी राधा रानी इधर बन करके आए, चिंता मत करो राधा जी अब यहीं आएगी, उधर भी मत भी इधर देखो। इसलिए कहते अगर कोई कृष्ण भक्ति पाना चाहते हो पहले ये तीन चीज होनी चाहिए, तब तो राधा कृष्ण भक्ति मिलेगी। बोलो तीन चीज क्या है? बोले राधा रानी की चरण को जमकर तुम आश्रय नहीं ग्रहण करो। राधा जी की चरण की जो धूल है वृंदावन धाम, जब तक उसको आश्रय नहीं करोगे और राधा रानी की प्रेम भक्ति में जो संत डूबे हुए हैं जब तक उनका चरण को आश्रय नहीं करोगे, बोले भैया कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलेगी। इसलिए वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? जोर से बोलो और जोर से। इसलिए वृंदावन में सब राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए हम लोग जो हरे कृष्ण बोलते हैं वो हरे कौन है? राधा जी। कृष्ण का मन को चित्त को हरण करती है इसलिए उनका नाम हरा, और संबोधन में होता है हरे मतलब हे राधिके, हे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इसलिए हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं। इसलिए श्री वृषभानंद महाराज के घर में एक बेटा है, घर में कोई बेटी नहीं, इसलिए वृषभानंद महाराज सोच रहे हैं घर में एक बेटी होनी चाहिए। देखो ध्यान देकर के इधर सुना, लेकिन घर में जब कोई बेटी आती है ना
नाना नानी का अवस्था तो खराब हो जाती है, पहले वही भूखी हो जाती है, बल्कि घर में बेटी कैसे आ गई। लेकिन एक बेटा आ जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन वृषभानंद महाराज यहाँ बोल रहे हैं, घर में जब बेटी आए ना, सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई। लेकिन एक बेटा आए तो कोई नहीं कहता है नारायण आया, कोई बोलता है नारायण आया। इसलिए देखना, जब बेटी की शादी होती है वो लक्ष्मी स्वरूप मान कर शादी की जाती है, साक्षात लक्ष्मी रूप मान करती है। और जगत में जितने दान है ना, सबसे कन्या दान को सबसे बड़ा दान मानी गई, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, अगर किसी माँ के पेट में पता चल जाए ना कोई बेटी आ गई, वह गर्भपात कर देती, गर्भ नष्ट कर देती। नहीं, गर्भ नष्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, अभी तो हमारी मोदी योगी आ गई, बोले बेटियों को इतने साल तक फ्री में पढ़ाई कराएंगे, इसलिए बेटियों को बचाओ। दुख लगता है ना, जैसे मतलब फ्री में शादी भी करवा रहे हैं कोई कोई, जिनका बेटी की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी की व्यवस्था, पढ़ाई की फ्री में की व्यवस्था कर रहे हैं सबके सब। इसलिए बेटी देखो, अगर बेटी नहीं होगी जगत में फिर ये पुरुष लोग कहीं से आएंगे? ये नाना नानी दादा दादी काका किसी कहाँ से आइए? माताएं हैं सभी तो ये सब दुनिया बढ़ रही है। अगर बेटी नहीं होते तो दुनिया कहाँ से बढ़ेगी? इसलिए बेटियों को रक्षा करनी चाहिए। आप देखना, मैंने बहुत सारी जगह पर देख लिया, सारा दुनिया में जाता हूँ, अक्सर करके जगह में मैं देखता हूँ, जब घर में बेटा का शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाए ना, फिर कलह शुरू हो जाती है। फिर तो सास ससुर में इतने लड़ाई कभी होती है, वो घर से सास ससुर चल के भाग जाती है, और जा करके कहाँ आश्रय लेती है? बेटी को पास। बेटी ही हर समय बेटी आश्रय देती है। सारा दुनिया में जाता हूँ, बेटी पास में आश्रय देती है। भले ही बेटी चली जाए अपना ससुर घर में, वही से खबर लेती है, मेरे पिताजी कैसे, मेरी माता जी कैसे, ठीक ठाक है कि नहीं, सारा दुनिया खबर लेती रहती। इसलिए अगर बेटा पिताजी बाहर जाए ना, बेटा बोलेगा पिताजी क्या लाओगे, बेटी क्या बोलेगी जानती हो? पिताजी कब आओगे? बेटा बोलेगा क्या लाओगे, बेटी बोलेगी कब आओगे? इसलिए बेटियों को रक्षा करनी चाहिए। इसलिए वृषभानंद महाराज बोल रहे हैं, जब इनके घर में बेटा हुआ ना, बोले भैया घर में बेटी होनी चाहिए। इनका नित्य नियम है, ये जमुना में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। जब स्नान करने के लिए गए, देखा सतदल एक कमल फूल के ऊपर में एक बड़ी सुंदरी एक लड़की किशोरी, बड़ी सुंदरी लाली वो बहते बहते आ रही है, और उसका छोटी से चतुर्थी को उद्घाट हो रहा है। तब से वृषभानंद महाराज अंदर में गए और राधा जी को उन्होंने उठा कर दिए आए, बोले श्रीमती राधा रानी की। तब उन्होंने दिया श्री कृतिका को। अभी नारद जी देखा कृष्ण तो गोकुल में आए, अभी जरूर राधा जी कभी आ गई, उन्होंने सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। जब उन्होंने आए रावल में, वृषभानंद महाराज को पूछा, देखा उनकी घर में श्री राधा रानी प्रकट हुई है। नारद जी स्तुति करना चाहते हैं, बहाना बनाए थोड़ा फूल ले आओ। जब अंदर में गए ना, इतने में राधा रानी ईश्वरी हो गई, अब सब सखियां वहां पर प्रकट हो गए। ललिता कहती है नारद जी स्तुति जल्दी जल्दी करो, तब उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, ले आओ भैया, जब भी भैया ले आ रहे। बोले मुनिन्द्र वंदित त्रिलोक सोक हारिणी, प्रसन्न भव कंकण निकुंज दुर्विकासिनी, ब्रजेन्द्र सुवरकंदिनी, ब्रजेन्द्र सुरसंकते, सदाचरी सती कृपा भारत देश प्रभा
महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने सारे प्रजावासियों को न्योता दिए, सबके सब बधाई देने के लिए, सबके सब बधाई देने के लिए आओ, सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए आए और सबके सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। और बधाई बोलो श्री बरसाने वाली की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरा धरानी प्रगट Hey!
श्रीमद्भागवत महा